देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है। कल सातवें चरण का मतदान गाजीपुर के सातों विधानसभा में शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। जखनिय 373 में 60.71%, सैदपुर में 58.13%, सदर में 52.2%, जंगीपुर में 53.45%, जहूराबाद में 59.03%, मोहम्मदाबाद में 56%, जमानिया में 53.67%, जनपद गाजीपुर का सब मिलाकर 56.54% मतदान हुआ। वहीं आपको बता दें कि मतदान शुरू होने से पहले 7 बूथों पर ईवीएम मशीन के पैड को जांच के दौरान खराब होने पर उन्हें बदला गया। तहसील में कंट्रोल रूम स्थापित कर पूरे विधानसभा क्षेत्र की वेबकास्टिंग के माध्यम से पूरी मॉनिटरिंग भी की जा रही थी। कृतसिंहपुर गांव के बूथ पर मतदाताओं को मतदान करने में खलल डालने की जानकारी मिलते ही मौके पर क्षेत्र अधिकारी गौरव सिंह व कोतवाल शिव प्रताप वर्मा ने पहुंचकर स्थिति नियंत्रण में कर मतदान में खलल डालने वालों को चिन्हित करते हुए चेताया कि दोबारा शिकायत मिली तो बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मुड़ियारी गांव में बूथ संख्या 217, 218 में अंदर कर्मचारी की मिली भगत से अवैध मत पड़ने की शिकायत मिलते ही सेक्टर मजिस्ट्रेट ने एक सुरक्षा कर्मी को अंदर बैठाया ताकि कोई गड़बड़ी न हो सके। जहीबाद गांव के बूथ पर पीठासीन अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से मतदान कराने का विरोध करने की सूचना मिलते ही उप जिला अधिकारी वीर बहादुर यादव व क्षेत्र अधिकारी गौरव सिंह ने पीठासीन अधिकारी को अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गए तथा अपने साथ कंट्रोल रूम से दूसरे पीठासीन अधिकारी को नियुक्त किया गया। जबकि उप जिला अधिकारी ने बताया कि धीमी गति से काम करने की शिकायत पर बदला गया है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। शांतिपूर्ण मतदान कराने में पुलिस के जवानों का बड़ा योगदान रहा। पूरे दिन हूटर के साथ गाड़ियां दौड़ती रहीं। भाजपा व सुभाजपा अन्य पार्टी के समर्थित लोग चौराहे पर आपस में अपनी जीत का दावा भी करते रहे।